समारम यह बलिदान प्रीति भोज प्रभु भोज पान कर संपन्ने ईश कृपा से आज के दिन हम दे
nididhiti nirambaram. शाश्वत जीवन प्रदान कर मसीह में उनका स्मरण करते हुए मानव जाति के नवीनीकरण एवं मुक्ति के लिए पवित्रता के साथ इन दिव्य रस्यों का अनुष्ठान करने को हम निर्बलों को समर्थ बना दे के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा दया से सुन ले तू मेरी पुकार हम कदापि नहीं कर सकते तेरे अनुग्रह और सारी सहायता से संपन्न और दुर्लभ की तरह अलंकृत तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुण गान के करते रहने के सबके प्रभु दुखी सृजनहार सदा वारो का वाद
हे प्रभु, वास्तव में तो हमारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारे आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो के सब के प्रभु सरदार। और हम पर कृपा कर के सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वजाम। प्यारे भाई और बहनों, थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से वाचा। इस सब से अपनी पत्र शिक्षा से आपको ज्ञानी बना दे। भाइयों, हम चाहते हैं कि आपको मृतकों के विषय में निश्चित जानकारी हो, कहीं ऐसा न हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो अपनी महिमा में सिंहासन पर
विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उनके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वो लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वो भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्र आओ और उस राज्य में राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब आपको नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। हे प्रभु हम तुझसे विनती करते हैं, सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। प्रभु हमारे ईश्वर सार्वत्रिक और प्रेरित कलीसिया का संरक्षण कर, दृश्य और अदृश्य सभी विपत्तियों से उसे बचा, अपनी कृपा से हमें सिद्धि बना कि हम निर्मलता पवित्रता भक्ति और लगन से तेरी सेवा करें। हे कृपालु प्रभु हमें ये वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कार्यों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति कृतज्ञता और आदर अर्पित करें कि सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सदा। आमीन।
पवित्र पवित्र आत्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। यीशु माता मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण हो बे बलि वेदी पर। Yeah.
उन्ने उठा प्रभु वर तीसरे दिन यह विश्वास हमारा है। प्रभु ईश्वर अपना स्तुति गान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने अपने तो प्राची धर्माध्यक्षों प्रभु धर्माध्यक्षों याचकों याचकों एवं ब्रह्मचारी एवं योद्धों के लिए अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रों के लिए धर्मनिष्ठा विशेष शासकों और सभी श्रद्धा शासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मस्तिष्क कृपा द्वारा यह बलिदान में सहायता मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान मेरे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे प्रसन्न होकर स्वीकारे। प्रभु हमारे ईश्वर तेरे प्रचुर कृपा दानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपा पूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे क्या परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करते हैं अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप प्रभु को शांति और आपको भी। मसीह के प्रेम में परस्पर शांति अभिवादन करें। पवित्र और पश्चाताप हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उसे निवेदन करें। अपनी वर्ष संपन्न रही है हम श्रद्धा से उनकी ओर ध्यान लगाए राजा प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों में लगाए मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। का कृपा वरदान परम पिता का प्रेम दिव्य आत्मा के सच्चरिता साथ हमारे रहे सदा। परमोन्नत के ओ हृदय विचारों को
सबके प्रभु वर ईश्वर को चढ़ा रहे हैं यह बलिदान। हे ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे महिमा में तृत्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मार्गों पर अवर्णनीय उपकार किया है। के प्रभु स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं। अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबिम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व की उपासना करते हैं। ऊंचे स्वर से करते स्तुति गान, एक दूजे से पुकार कहते। स्वयं ईश्वर है और तेरा आत्मज है, उसके उपासना करते हैं। वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वो विवेक बुद्धि और अमृता से संपन्न आत्मा के साथ नश्वर शरीर को अपना कर पूर्ण मानव बना, स्त्री से जन्म और नियम के अधीन आने वालों को मुक्त करने के लिए वह नियम के अधीन रहा। उसने हमारी मुक्ति के स्मारक में यह रहस्य हमें प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। दिन मोर दुरा नशे दुराग दिले प्रिन बिलिया दिन खाउत मस्त्रफ बाबेश कल केशो लखमा अलीदा
जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया, तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया, तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों का अनुग्रह के प्रति हम तुझे वंदना स्तुति कृतज्ञता और आराधना समर्पित कर दे अब सदा और सर्वदा। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वत्रिक कलीसिया के पिता और मुखिया रोम के संत पापा फ्रांसिस के लिए हमारी कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्चबिशप जॉर्ज के लिए हमारे धर्म प्रांत के पिता और मुखिया धर्माध्यक्ष मार सेबास्टियन के लिए पवित्र और सर्वत्रिक कलीसिया के लिए याजकों उपयाजकों समर्पितों लोक धर्मी प्रेरितों शास्त्रों और अधिकारियों के लिए के प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर सब नबियों प्रेरितों शहीदों और संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं के लिए के प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर दुखी और व्याकुल दरिद्र और दलित रोगी और पीड़ित इन सबों के लिए तेरे नाम पर हम संविदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए विशेषकर शोधन स्थल में पीड़ा सहने वाले सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं के लिए तेरी कृपा के प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और मेरे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य हूँ यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु यह बलिदान स्वीकार कर के प्रभु हमारे ईश्वर तो हमारे पापों तथा प्रथम के अनुसार न्याय न कर बल्कि अपनी कृपा के अनुसार हम पर दया कर सच्चे विश्वास के साथ तेरे अनुग्रह से तेरे पावन शरीर को हम ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा हमें अपने अपराधों और पापों की क्षमा प्राप्त हो। आमीन। के प्रभु तेरी शिक्षा अनुसार हमें शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं।
इस पुण्य महोत्सव में तेरे असीम एवं अवर्णनीय कृपा से इस माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक और पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर। सभी भूवासी ये जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेतों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और व्याजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुए पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया के सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उस उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुद्धार के मान गंभीर पवित्र जीवन दाय और दिव्य रस्यों का स्मरणोत्सव आनंद पूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। वो तेरे भक्तों के बलि पर विराजे और इससे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा हमें अपराधों की माफी, पापों की क्षमा, पुनरुद्धार की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस मान और अत्युत्तम मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते। धन्यवाद उस नाम को देते और आराधना बारंबार। स्वर्गवासियों की शांति, भूवासियों की आशा, विश्व के कोने कोने में विशेषकर पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया पर तो अपनी सुख शांति फैला दे। धार्मिक या राजनीतिक शास्त्रों के बीच मेल मिलाप स्थापित कर। पृथ्वी पर से युद्धों को दूर कर, युद्ध प्रिय लोगों को तितर बितर कर, ताकि हम सुख शांति से ईश्वर की श्रद्धा भक्ति में पवित्र जीवन बिता सके। हमारी स्तुति नहीं के प्रभु हमारी नहीं, तेरे के नाम की स्तुति हो। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता को अपने रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरे पाप निरंतर मेरे सामने है। हे प्रभु, मुझे हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो, तेरे उदार कृपा हमें महिमा में पवित्र जीवन दायक दिव्यों के समीप पहुँचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य के ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय। हे प्रभुवर, तेरी सदा आराधना ये जीवंत तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं, उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं।
বসেদ মারণ ঈশ্বর শিখা ও বেদালাহা আবা ও শব্দ পুসাদ রুহাদ দিশা তকবে আমকুল হাসা ও ভুসল মানাবল্লালম আলমি राज्य तेरा है, शक्ति तेरी है और प्रभुत्व तेरा है अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति और आपको भी। ये प्रभु पवित्र वस्तु पवित्र लोगों के लिए है। एकमात्र पिता पवित्र है, एकमात्र पुत्र पवित्र है, एकमात्र आत्मा पवित्र है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के प्रभु हमेशा धन्य हो क्योंकि उसकी आवाज ने नकों को कब्रों में जिलाया है। वे सब पुनर्जीवित होकर
हमारे जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह का कृपा दान हम सब लोगों में उसकी करुणा से परिपूर्ण हो जाए सदा सर्वदा आमीन। ईश्वर को धन्यवाद दें उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के अमूल्य दिन के प्रति उसके निरंतर स्मृति होती रहे। हे हमारे प्रभु ईश्वर जीवन दायी और ईश्वरीय इन रहस्यों में सहभागी होने को तूने हम मानवों को योग्य बनाया। हमारे लिए तेरी समान कृपा के प्रति तेरे महिमा में नाम को सदा स्तुति सम्मान कृतज्ञता और आराधना समर्पित करना हमारे कर्तव्य है। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा हे मसीह मानव जाति की आशा अमृता का औषध इस पवित्र बलिदान द्वारा तूने हमारे ऋणों और पापों को मिटाकर हमारी आत्माओं को पोषित किया। तेरे इस अनमोल दान के प्रति हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं कि सबके प्रभु सर्वदा प्रार्थना कर
के संत अल्फोंसा, संत कुरियाकोस एलियास, संत उप्रासिया, संत मरियम थ्रेसिया, संत मदर थेरेसा, संत जॉन पॉल सेकंड, संत देव सहाय, धन्य कुंजचर, धन्य सिस्टर रानी मरियम। समर्पितों के लिए प्रार्थना।